चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन की ओर से जिला कलेक्टर को सीएम सहायता कोष में कोयला भेंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा जिला कलेक्टर ताराचंद मीना को बुधवार को प्रदेश की बिजली संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोयला भेंट किया गया। लगभग 80 किलो से ज्यादा कोयला मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की कटौती चल रही है तथा कहा जा रहा है कि कोयले की कमी के चलते बिजली की कमी को देखते हुए कटौती की जा रही है तथा इसकी मार सबसे ज्यादा किसानों को उठानी पड़ रही है। पहले तो बरसात नहीं हुई तथा बाद में अतिवृष्टि से फसल का खराब हुआ, इसके चलते किसान परेशान है। इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम कोयला भेंट किया गया। उन्होंने यहाँ कि वर्तमान में किसानों को बिजली की आवश्यकता है तो वहीं त्योहार का सीजन के चलते लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजू अग्रवाल, शंभूपुरा संगठन के प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह, सूरज न्यास, जितेंद्र वैष्णव, रेणु मिश्रा, रतन गुर्जर, भूरालाल डांगी, मनोज वैष्णव, अशोक सोनी, गोपाल सोनी मौजूद रहे। जीव अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन का मैं चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष। किस प्रकार के भेंट किया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, क्या अभी है? बिजली कटौती हो रही है, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। शाम के समय भी बिजली कटौती कर देते हैं घरों के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि कोयला की कमी आ गई है, तो हम सब कार्यकर्ता ने मिलकर सहायता कोष के अंदर आज कोयला 70-80-90 किलो के लमसम है जो जमा करा रहे हैं। कोई लोग बाग पैसा जमा कराते हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष में, तो हम मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोयला जमा कराने के लिए आए हैं। कितने किसान और आमजन दुखी है? किसान तो पूरे जिले के किसान दुखी है सर, बिजली समय में मिल नहीं पा रही है। पूरे 24 घंटे में 4-5 घंटे फुल बिजली आ रही है, उससे क्या होगा, किसान कितना मर रहा है। मेरे को आ रहा है कि आने वाले टाइम में किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बुआई का टाइम आ गया, ना तो उनको कुछ मिल रही, कटाई का समय चल रहा है, तो बिजली होगी तो कटिंग होगी, बाकी होगी नहीं। गेहूँ फसल निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री जी को हम इसीलिए कोयला भेंट करने के लिए आए हैं आज, कि कम से कम ऐसे सभी कार्यकर्ता जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि दो दो तगारी मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर साहब को सहायता कोष में जमा करा कर और योगदान दें। उनके लें तो कम से कम उनके सहयोग तो करें, इतने किसान लोग दुखी हो रहे हैं। तो कम से कम सभी जिलेवासियों से निवेदन है, चित्तौड़वासियों से भी निवेदन है कि दो दो तगारी जरूर मुख्यमंत्री के नाम से कोयला भेंट करें। क्या नाम है? रेणु मिश्रा। रेणु जी बात करें, कितना संकट है बिजली का? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ रहा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। आमतौर में शहरी में जो आप देख रहे हैं, जो धोबी समाज के हैं सबसे ज़्यादा।